हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे रेनीडॉम ओ टेबलेट के बारे में, जो कि मैनकाइंड फार्मा बनाती है और ट्रीटमेंट करती है। किसका ये टेबलेट? गेस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज का। ठीक है, जो रेनीडॉम ओ टेबलेट है ये दो टेबलेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब रेनीडॉम ओ टेबलेट इज ए प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट गेस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, मतलब एसिड रिफ्लेक्स डिसीज को ट्रीट करने के काम में ये आती है। ठीक है, सच एज सिम्टम्स कैसे ट्रीट करती है? हार्ट बर्न, स्टोमक पेन, इरिटेशन को ये ट्रीट करती है। ये न्यूट्रलाइज करती है एसिड के अमाउंट को जो स्टोमक में है और प्रमोट करती है इजी पासेज ऑफ गैस को। ठीक है, रेनीडॉम ओ टेबलेट इज टेकन विदाउट फूड इन डोज एंड ड्यूरेशन आर एडवाइज बाय द डॉक्टर। ऐसे डोज और ड्यूरेशन में लेना है जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। द डोज यू आर गिवन विल डिपेंड ऑन योर मेडिकल कंडीशन। ठीक है, जो डोज आपको डॉक्टर दे रहे हैं वो आपके मेडिकल कंडीशन को समझते हुए दे रहे हैं। हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द मेडिसिन? यू शुड कीप टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर एज लॉन्ग एज योर डॉक्टर रिकमेंड्स। ठीक है, इफ यू स्टॉप ट्रीटमेंट टू अर्ली योर सिम्टम्स में कम बैक एंड योर कंडीशन में भी रोजन। ठीक है, यदि अगर आप इस टेबलेट को बंद कर देते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के और आपकी मेडिकल कंडीशन, तो इससे आपकी मेडिकल कंडीशन बिगड़ सकती है। हो सकता है कि आप सीवियर डिसीज के भी आपको कैच कर ले। ठीक है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इस मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में रेनीडॉम ओ टेबलेट की। तो रेनीडॉम वो टेबलेट है, ये ट्रीटमेंट करती है किसका? गेस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज का। ठीक है, और दूसरा ये ट्रीट करती है डिस्पेप्सिया के फंक्शंस। ठीक है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया को। साइड इफेक्ट क्या है रेनीडॉम वो टेबलेट के? डायरिया कॉज कर सकती है, फ्लेटुलेंस कॉज कर सकती है, स्टोमक पेन कॉज कर सकती है, ड्राइनेस इन माउथ कर सकती है और हेडेक कॉज कर सकती है। ठीक है, अब इस टेबलेट के बारे में मैंने आपको पूरा चीज़ बता दी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।